हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डिक्रीज क्यों हो जाती है, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100। उसके हमने आपको फाइव रीजंस बताए थे, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, मैग्नेटो स्टिक्शन और फ्लक्स लीकेज। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के यूजेज क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं, और फिर थोड़ा इंडक्टर के विषय में देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके यूजेज क्या हैं। ओके, आइए देखें। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशन। जितना भी अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित डिवाइसेज हैं, लगभग हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। में जितना भी अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड फिनोमिना है, लगभग हर जगह हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आइए कुछ यूजेज हम डिस्कस करते हैं। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एंड एयर कंडीशन। एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कंप्यूटर है, इन सब में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम जो है वो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, तो इन सभी में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। इन द इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस एक डिवाइस होती है जो कि एडी करंट्स पर बेस्ड होती है, जिसमें वेरी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर करके एडी करंट्स के हेल्प से और मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। वहाँ पर भी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो इसका यूज इंडक्शन फर्नेस में किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस हम एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगला, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। जो हम वेल्डिंग करते हैं, एक तो गैस की वेल्डिंग होती है, दूसरी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है। जो इलेक्ट्रिक से वेल्डिंग होती है, उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज के लिए। इन ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है और हम चाहते हैं पावर लॉस कम हो, अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है, मीन्स जहाँ पर पावर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से लेकर के शहरों तक भेजना है जहाँ उसका कंज्यूम्शन होता है, तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वहाँ दो स्टेज, एक तो पावर प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर करके प्रोड्यूस किए गए वोल्टेज को 132 किलो वोल्ट कर देते हैं। कितना? 132 किलो वोल्ट कर देते हैं, मीन्स 132,000 वोल्ट कर देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। इससे बेनिफिट क्या होता है कि करंट रिड्यूज हो जाती है, तो जूल हीटिंग एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल हीटिंग कम होती है हाई वोल्टेज पर भेजने पर, और लाइन लॉस कम होता है, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन आपका सिटी में या कंज्यूमर के पास जहाँ उसको यूज करना होता है, वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर करके और उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिटी या कंज्यूमर स्टेट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और वहाँ पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला यूज क्या है, आइए देखें। एन ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम, इन जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके इग्निशन सिस्टम में शुरुआत में स्पार्किंग देनी होती है फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो उस इग्निशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, उस हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हाई पोटेंशियल चाहिए। लेकिन ऑटोमोबाइल में जो बैटरी अक्सर लगती है वो 12 वोल्ट की होती हैं, अब 12 वोल्ट से इतना हाई टेम्परेचर तो लग नहीं सकता, तो वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर करके या इंडक्शन कॉइल का यूज कर करके उसको वेरी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए, स्पार्किंग होने लगे प्लग्स के बीच में। तो आपका देखिए, इन ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम यूजेज आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर इग्निशन कॉइल टू कन्वर्ट 12 वोल्ट इनटू वेरी हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस स्पार्क बिटवीन गैप्स ऑफ द स्पार्क प्लग। जो स्पार्क प्लग होता है उसके गैप में स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हम वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिससे वो 12 वोल्ट को वेरी हाई वोल्टेज में प्रोड्यूस कर दे और स्पार्किंग हो, जिससे वो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये यूजेज है।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। जो ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर लो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके, ये रहा आपका ट्रांसफार्मर के यूजेज। अब कभी कभी आपसे प्रैक्टिकल में इंडक्टर के विषय में पूछा जाता है कि इंडक्टर क्या है, इंडक्टर का यूज क्या है, ठीक ना। तो इंडक्टर को हम चोक क्वाइल भी कहते हैं, जो कि आपके ट्यूब लाइट में लगी होती है। तो उस चोक क्वाइल के विषय में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए, जब करंट फ्लो कर रही किसी सर्किट में, अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियल वही रहे लेकिन करंट कम ज़्यादा हो जाए, करंट कंट्रोल हो जाए, तो आपके पास दो तरीका है। या तो आप ओमिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टर का यूज करो, या कंडेंसर का यूज करो, या हम आप इंडक्टर का यूज करो। अगर आप रेजिस्टर का यूज करते हैं या ओमिक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, तो उस केस में करंट डिक्रीज तो हो जाएगी, करंट कंट्रोल तो हो जाएगी, बट जो करंट कंट्रोल होगी वो आई स्क्वायर आर टी से जूल हीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो यूजफुल वर्क में नहीं आ पाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो जब हम रेजिस्टेंस का यूज किसी एसी सर्किट या डीसी सर्किट में करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो जूल हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस कर देता है, वो एनर्जी हमारे काम नहीं आ पाती। लेकिन अगर हम इंडक्टर का यूज या चोक क्वाइल का यूज करें, इंडक्टर का यूज या चोक क्वाइल का यूज करें, तो उस केस में एसी करंट को कंट्रोल, हाँ इसके एक बड़ी खास बात है, इसको डीसी के साथ नहीं यूज किया जा सकता। चोक क्वाइल या इंडक्टर का यूज डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जा सकता। उसका रीजन यह है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी जो है जीरो होती है, तो ये डीसी के लिए इसका इंडक्टेंस जीरो होगा, डीसी को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करता है, ये एसी को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। तो चोक क्वाइल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मीन्स उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो चोक क्वाइल आर इंडक्टर is a device that is used to control the current in the AC circuit. Means choke coil या inductor एक ऐसी device होती है जिसको AC circuit में current को control करने के लिए किया जाता है। इसके साथ खास बात क्या होती है कि अगर वो ideal choke coil या ideal inductor है तो उसका ohmic resistance zero होता है, उसमें power loss P equal to ERMS IRMS cos phi 90 होता है, cos 90 zero होता है, तो कोई power loss नहीं होता है। तो बिना electrical energy को loss किए ये current को control कर सकता है। ओके, तो आइए हम इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कंट्रोल द करंट इन एन एसी सर्किट ओनली। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसको केवल एसी सर्किट में हम करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, डीसी में नहीं, जबकि कैपेसिटर की यूज दोनों में कर सकते हो, एसी में भी डीसी में भी, और रजिस्टर का यूज दोनों में कर सकते हो, एसी में भी डीसी में भी, ठीक ना। फॉर एन आइडियल इंडक्टर ओमिक रेजिस्टेंस आर इक्वल टू जीरो। आर यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये ओमिक रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है आइडियल इंडक्टर, तो कोई जूल हीटिंग नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं होती है। अब चोक क्वाइल अलग अलग फंक्शन पर वर्क करते हैं। हमने बताया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर का फंक्शन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ये आपके ऑडियो फ्रिक्वेंसी के चोक क्वाइल हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के चोक क्वाइल हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए चोक क्वाइल आते हैं। ये आपके ट्यूब लाइट है जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। घर में आपकी ये ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट में ये स्टार्टर लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ पर चोक क्वाइल लगी हुई है। तो इस चोक क्वाइल का काम होता है करंट को कंट्रोल करना एसी सर्किट में। पावर लॉस अगर हम इंडक्टर में देखें तो P इक्वल टू एप्सिलॉन आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, यहाँ फाई 90 होता है, तो पावर एवरेज जीरो होता है, एवरेज पावर डिसिपेट जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, आइए हम आपको बता देते हैं फार्मूले के थ्रू कि ये कंट्रोलिंग कैसे करता है। हम बात इंडक्टर की कर रहे थे या इंडक्टर एज अ चोक क्वाइल की बात कर रहे थे, तो ये देखिए, ये आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक क्वाइल है, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक क्वाइल है, ये आपकी ट्यूब लाइट है जिसको फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हो, ये यहाँ पर चोक लगा हुआ है, ये स्टार्टर लगा हुआ है, ये एसी मेंस है। आइए देखें, करंट आई वी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सएल,
आई वी कहते हैं, आई आर एम एस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, तो उसे हम आई वी से डिनोट करते हैं, मतलब वर्चुअल करंट या आई आर एम एस करंट इक्वल टू एप्सिलॉन वी अपॉन एक्सएल। एप्सिलॉन वी क्या है? ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू है अपॉन एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल इक्वल टू ई वी अपॉन टू पाई न्यू एल। अब यहाँ पर देखिए, जो आई वी है वो फ्रिक्वेंसी और एल पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो लो फ्रिक्वेंसी की करंट है तो उसके लिए हमें यल को हाई रखना पड़ेगा, और उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर चोक कॉइल का यूज करते हैं। और अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी की जो है वो करंट है तो ऑलरेडी एक्सेल हमारा ग्रेटर होगा, तब उसके लिए हम एयर चोक कॉइल का यूज करते हैं। आइए देखें, अगर यल इंक्रीज कर देंगे तो एक्सेल इंक्रीज कर जाएगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम यल को इंक्रीज कर देते हैं तो एक्सेल इंक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम यल को डिक्रीज कर देंगे तो एक्सेल डिक्रीज कर जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर यल को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम जो है करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कितनी फ्रिक्वेंसी की करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, हाउ एवर एक्चुअल चोक कॉइल हैज सम रेजिस्टेंस आल्सो बी में कंसीडर इट इन सीरीज विद द यल। मीन्स जो आइडियल इंडक्टर होता है या आइडियल चोक कॉइल होता है उसका ओमिक रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चोक कॉइल किसकी बनी होती है? वायर की, और वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो इंडक्टर का भी हम एक रियल इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, उसको उसके साथ सीरीज में कंसिडर करते हैं स्मॉल आर। तो अब ये टोटल इसका इम्पीडेंस हो जाएगा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस है इस चोक कॉइल का, जिस वायर का यह बना उस वायर का। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब आइए पावर देखें, पी इक्वल टू ई आर एम एस एप्सिलॉन आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो पी एवरेज आपका ई बी आई बी आर अपान कॉस फाई की वैल्यू होती है आर अपान जेड, कॉस फाई होता है आर अपान जेड, तो हो जाएगा आर अपान स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका। तो हो जाएगा एवरेज पावर इक्वल टू एप्सिलॉन बी इंटू आई बी आर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। कॉस फाई की ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो है ये पावर डिसिपेटेड जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो चोक कॉइल में भी कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ी बहुत पावर लॉस होती है, लेकिन ये आई स्क्वायर आर के कंपेरिजन में वेरी मच वेरी लेस होती है। जो आई स्क्वायर आर पावर लॉस होता है उसके कंपेरिजन में ये वैल्यू काफी स्मॉल होती है। हर रिड्यूसिंग लो फ्रिक्वेंसी करंट। अब यहाँ देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी लो होगा तो एक्सएल की वैल्यू लो होगी। अब एक्सएल को हाई करने के लिए एल को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। जब हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर दें, इस कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, एल इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रिक्वेंसी करंट चोक कॉइल विद द सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर कॉइल इज यूज्ड। अगर हमें लो फ्रिक्वेंसी की करंट को कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, कम ज़्यादा करना है, तो हम क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर लेमिनेटेड कॉइल का यूज करते हैं। अगर हमें हाई फ्रिक्वेंसी की करंट को कंट्रोल करना है, अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो एक्सएल ऑलरेडी हाई होगा, तो हमें यल को लार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस केस में हम एयर चोक कॉइल का यूज करते हैं। और हम इस इंडक्टर या चोक कॉइल के जगह पर कंडेंसर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडेंसर में भी एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर लॉस जीरो होती है, इंडक्टर में भी एक एवरेज साइकिल में एक पावर लॉस जीरो होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम जो है एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर इंडक्टर में हम डाल दें तो बताइए बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप यल इंक्रीज कर दोगे तो एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाती है। ओके, तो ये रहा आपका इंडक्टर या चोक कॉइल का जो हम यूज करते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर हमने डिस्कस किया, इसके यूजेस डिस्कस किया, हम लोगों ने जनरेटर डिस्कस किया, उसका जो है ईएमएफ डिस्कस किया, और आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके।